कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आ रही है। कसिया थाना क्षेत्र के महुआ डी में निवास करने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक मछली मारकर घर लौट रहा था, तभी एलटी में करंट उतरने से यह हादसा हो गया। इस खबर के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई, जिस के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की है। परिजनों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की और युवक की मौत को लेकर हंगामा करने लगे, और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के महुआ डीह निवासी 40 वर्षीय हरदलाल केवट 15 वर्ष से मछली पकड़ने का काम करता था। उसके पास जीवन यापन करने के लिए खेत नहीं है, ऐसे में रोज मछली पकड़ना और शाम को बाजार में बेचना यही उसका काम था। इस सिलसिले में सोमवार को वो अपने 12 वर्षीय पुत्र आयुष के साथ सदुगढ़ी देवी मंदिर के समीप छोटी गंडक में मछली पकड़ रहा था। गाँव वालों ने बताया कि जब वह नदी पार कर खेत की तरफ जा रहा था, तभी पास में ही एक खेत के किनारे लगे तारों में प्रवाहित की चपेट में आ गया। बिजली की चपेट में आने से हरदलाल केवट जमीन पर गिर गया, जिसको देख बेटे ने डंडे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया और मौके पर ही हरदलाल की मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उसको अस्पताल लेकर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन हरदलाल के शरीर में कोई हरकत नहीं होता देख जन उसकी लाश को वहीं रखकर कार्रवाई की मांग करने लगे। लगातार 6 घंटे तक परिजन शव के साथ घटनास्थल पर ही रहे। काफ़ी मनाने और समझाने के बाद ही परिजन किसी तरह से माने। मृतक हरदलाल के 3 नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे सुनील की उम्र 14 साल, आयुष का 12 साल और सबसे छोटे अंकुश की उम्र 8 साल है। अब इनके ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। मृतक के पास रहने के लिए कटरेन का घर है। इस संबंध में कप्तानगंज के SDO संजय यादव ने बताया कि खेत मालिक के विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। SDO ने कहा कि बिजली कनेक्शन पोल्ट्री फार्म के लिए दिया गया था, पर खेत मालिक चोरी से खेत में बिजली जला रहा था, यह पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए विभाग खेत मालिक के विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराएगा। ऐसे में हरदयलाल के जाने के बाद परिवार में अब कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो परिवार के लिए 2 रोटी का बंदोबस्त कर सके। ऐसे में पीड़ित परिवार शासन और प्रशासन से मुआवजे के लिए गुहार लगा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट, अरुण राव सोहता से।